एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कोरोना से मात के आंकड़ों पर वो लगातार केंद्र और राज्य की सरकार को घेर रहे हैं। सतना जिला के मैहर में कमलनाथ ने फिर से आज एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत महान नहीं, भारत तो बदनाम है। सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग यहाँ नहीं आ सकते। कमलनाथ ने मैहर में माँ शारदा देवी के सीढ़ी से नीचे दर्शन किए। पूजा अर्चना के पश्चात मैहर सर्किट हाउस में पहुंचकर पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी एवं प्रदेश की शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल ताके। सरकार पर आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा है। इस दौरान उन्होंने शिवराज की सरकार पर कई वार किए। इंडियन कोरोना वाले बयान पर पहले से घिरे कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि भारत महान तो नहीं है, लेकिन बदनाम ज़रूर है। सभी देश के लोग भारत से जाने वालों को रोक रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि किसी ने मुझे न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि भारत के जो लोग टैक्सी चला रहे हैं उनकी टैक्सी पर कोई नहीं बैठ रहा। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने झन्नाटेदार जवाब दिया। कैलाश ने कहा कि कमलनाथ जी, मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा, लेकिन चीनी दिमाग से सोचने और इटालियन चश्मा से देखने वालों का नज़रिया कुछ अलग ही है। आप जैसों को तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि जाको प्रभु दारुड़ दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बयान पर हमला किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। क्या आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? सत्ता जाने के बाद लगता है कि कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कमलनाथ ने इसी धरती पर जन्म लिया है और कह रहे हैं कि भारत बदनाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, क्या वे ऐसी कांग्रेस चाहते थे? ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।